आज हम बात करेंगे लाइट एक्सरसाइज यानी सूक्ष्म व्यायाम की। जब भी आप कभी जिम स्टार्ट करें या फिर योगा स्टार्ट करें, उसके पहले आपको लाइट एक्सरसाइज करनी है जो आपकी पूरी बॉडी को एक व्यायाम देती है। तो करना कैसे है, आपको पहले पैर से शुरू करना है। पैर ऐसे आपको फैला लेना है, किसी भी दरी या चटाई में बैठ जाएं जो सॉफ्ट हो, जो मुलायम हो, आपको ये पंजे से फैला लेना है। आप पीछे हाथ ऐसे कर सकते हैं, आपकी मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड ऐसे सीधी भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, सीधी रहनी चाहिए। अब आपको इसको रोटेट करना है क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, जैसे नीचे ऐसे, यहाँ पर ऐसे रोटेट करना है। ओके, तो क्या होगा, जब ऊपर आएंगे तो सांस लेंगे आप, नीचे जाएंगे तो छोड़ देंगे, ऊपर आएंगे तो सांस लेंगे, नीचे जाएंगे तो छोड़ देंगे। कैसे, इसको आप धीरे भी कर सकते हैं, तेज भी कर सकते हैं। आप इसको एंटी क्लॉक वाइज पाँच सात दस ऐसे 15 बार कर सकते हैं। फिर उसके बाद इस पैर को सीधे करें, आपको इसको आगे झुकाना है ऐसे, ज़्यादा जोर देके ना करें, आपको धीरे धीरे पहले करना है। आपके पैर मजबूत नहीं रहेंगे, एड़ियाँ मजबूती नहीं रहेंगे तो आपको स्प्रेन आने की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप जोर ना दें, धीरे से करें। इसको भी 5, 7, 11, 15 बार कर सकते हैं। अब इसके बाद तीसरी एक्सरसाइज है, ये पैर की ऐसे करना है। ये ऐसे करेंगे, ये तीन एक्सरसाइज जब करेंगे तो आपका ये पूरा वाला हिस्सा, आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से होने लगता है और ये इसमें तरोताज़ा महसूस होने लगता है। इसके बाद आप क्या करें, दाएं पैर को उठाएं, दाएं पैर को आप जंघे में रखें और इसको ऐसे पकड़ें, इसको ऐसे पकड़ें और इसको यहाँ पर पकड़ें। करना क्या है आपको, इसको आपको यहाँ पर टच करना है, फिर यहाँ पर आपको चेस्ट में ले आना है आपको ऐसे। जब नीचे जाएंगे तो सांस ऐसे लेंगे, इसको भी 3 बार करें, ज़्यादा जोर दे के ना करें। अब इसको भी, इस पैर को भी यहाँ पर ऐसे करना है ठीक उल्टे साइड में ऐसे। तो इससे क्या होगा, आपका ये घुटना और यहाँ ये भी आपके मजबूत होंगे और आपको यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन होने लगेगा, तरोताज़ा महसूस होगा। होता क्या है कि आप ऑफिस में बैठे रहते हैं तो यहाँ दर्द होने लगता है और यहाँ दर्द होने लगता है, तो आप इसके कारण से यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये हुआ आपका 3 व्यायाम। अब मैं हाथ का बता देता हूँ, तो आप ऐसे सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन में जैसे बैठते हैं तो ये इसको ऐसे रखें, इसको रोटेट करना है क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज। ऊपर जाएंगे तो सांस लेंगे, नीचे जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे ऐसे। ऐसे उल्टा करें, ये 5वां अभ्यास था। ठीक इसी प्रकार हाथ को ऐसे, रिलैक्स महसूस करें इसमें। आप सांस लें, बाहर जाएं सांस लें, अंदर आए छोड़ें। ये हुआ 6वीं। इसी हाथ को आप ऐसे करेंगे, ये हुआ 7वीं एक्सरसाइज। आपको क्या करना है, इससे क्या होगा, आपके यहाँ गर्दन में दर्द होती है, आपके यहाँ कंधे में दर्द होता है, तो बैठे बैठे कुछ चेयर्स में, ऑफिस में या कंप्यूटर चलाते वक्त आपको दर्द होने लगता है, तो ये दर्द रिलीफ करेगा तुरंत आपको। इसके अलावा क्या करना है, ऐसे कर लेना है आप, ऐसे करके ऐसे करना, हल्का सा दब प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेस ना करें गर्दन में। फिर इस उल्टे ये से 2 से 3 बार कर लें, ठीक है। ये 8 लाइट एक्सरसाइज आप करें, इसमें आपको कई सारे फायदे मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।